आवाज देके रोको फवाद साहब, आगे से कोई कुत्ते का बच्चा भी निकल सकता है। Hey, come here. ओए, वो अमल चलो डेरी भी जाना है। देखो, देख रही हूँ, ये सब क्या है? ये बफलोज हैं अमल। तो और ये ढेर किस चीज का है? वो औरतें वहाँ क्या कर रही हैं? ये भैंसों का गोबर है, वो औरतें गोए थाप रही हैं। गोए मतलब फ्यूल मेड ऑफ गोबर। ओह माय गॉड, ये है आपका डेरी? यस। कौन सुपरवाइज करता है इसे? इसे अपना ओए शौकत अली जी 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 ओए सामने आ, ये करता है, ये मैनेजर है और इसके नीचे 52 मुलाजम। आप मैनेजर हो यहाँ के? यस सर। भैंसों का ये हाल कर रखा है आपने? बड़ा ख्याल रखते हैं इनका, महीने बाद ला भी देते हैं, लेकिन ये जानवर लोग है ना, ये अपना ख्याल नहीं रखते। शट अप। थैंक यू। कितना दूध देती है ये? तकरीबन रोजाना का 18,000 लीटर। 18,000 लीटर? हाँ। माँ बाप तो उन बच्चों को भी पालते हैं जो बदले में उनको कुछ नहीं देते, फिर भी उनको नहलाते हैं, उनको शैम्पू करते हैं, उनको खुशबू लगाते हैं। वो बेचारियां तो रोजाना के 18,000 लीटर दूध देती हैं फवाद, आपकी डेयरी का बिजनेस चलाती हैं, कमा कर देती हैं आपको। तो मैं क्या उनके बाल शैम्पू करवाऊं? शिट क्लीनिंग के लिए उनको नेपियां बांधूं, खुशबू लगाऊं? तो लोग कहेंगे खगों का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं रहा। 1,000 लीटर दूध के पैसे उन पर लगा देंगे तो उनकी जिंदगी सवर जाएगी। पैसे दुआएं देंगी आपको फवाद। एक और सुन लो, पैसे भी दुआएं देंगी। Never heard before, बाजी। इतना सिर्फ याद है कि फैसलाबाद में गांव था, ये जो लास्ट गांव था उन्होंने बताया कि यहाँ के चौधरी खागा साहब है। खागा याद है लेकिन नाम नहीं याद। Do you understand what I'm saying? कुछ समझ आ रहा है क्या? एक मिनट, रुक रुक। ये हो गया? आई थिंक इट्स वासे। वन सेकेंड। वासे? वासे! ओह माय गॉड, यू हियर? व्हाट आर यू डूइंग हियर? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। लुक एट यू प्रिंसेस, वाओ। आई जस्ट कैन नॉट बिलीव यू आर हियर, जस्ट आउट ऑफ द ब्लू। आओ चलो मिलवाती हूँ सबसे। ओह प्लीज यार, स्मेल्स बैड। कम कम। कहाँ सामान ले आओ साथ? जप्पी? अल्लाह की कसम जप्पी, सिर्फ जप्पी। ओए लड़के को देखते ही भाभी गाड़ी से बाहर निकली, पहचान के हैरान हुई, फिर खुश हुई और फिर जज्बाती हो गई। ओए आगे बोल। ओबा आगे लड़के को हग कर लिया। हग कर लिया और जप्पी डाल ली यार। ओ फवाद कग्गे के सामने? ओ बिल्कुल सामने। वो सामने खड़ा ऐसे देख रहा था और जैसे कोई अंग्रेजी फिल्म देख रहा है। dude, ये तो मैं मानता हूँ मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है, but your family takes it too seriously. ये look at my पेट यार, it's become a पतीला। I'm sorry, अमल। किस बात के लिए? यार, I know मैंने तुम्हें hurt किया and for so many other things. I behave like a night. तुम्हारी situation समझ नहीं पाया और आज देखो, I lost such a beautiful life partner. Yeah, but you still have your friend, don't you? Huh? Hell yeah. And it will always remain like that. Do you remember Champs-Élysées, Paris? Yeah, God, it was gorgeous. Yaar. Do you remember that girl? Which one? Yaar, the one that had instant trust. Jappi bade zor ki dalti hai. Dekhne wale ko bhi mehsoos hoti hai. Jappi? Kaun si Jappi? Wohi jo apne friend ko dali thi. Gale lag kar. London mein friends ek dusre ko jappiyan dalte rehte hain. Hmm. To phir shaadi kyun nahi ki? Bechare ko refuse kyun kar diya? तो वो क्या करती? मुझ पे दिल आ गया था उसका। ले, जप्पी इतनी स्ट्रॉन्ग, रिलेशन इतना वीक।
this. You remember? Yeah. And you always used to make fun of her. ओके आंटी, जीते रहो, अब दोबारा चक्कर लगे तो जरूर आना. श्योर, जीते रहो. अपना ख्याल रखना. तुम भी. ओके, बाय बाय. तेज हवा चल रही है. हाँ, बिजली चमक रही है. हाँ, देख रही हूँ. बादल भी गरज रहे हैं. क्यों, डर लग रहा है आपको? नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है. आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, मुझे भी अच्छा लग रहा है. अच्छा, माधुखक का नाम रखा है उसका. किसका? अपने बेटे का. आप तब से ये सोच रहे हैं? या. और मैं पता क्या सोच रही हूं, मेहताब डेरी नाम रखूंगी उसका. किसका? खग्गर डेरी का. और किसका? दबेले से डेरी बनाना है मैंने उसे. एक मिनट, मैं मिया जी से बात करके आती हूँ. हाँ, डेरी के लिए ब्रांड न्यू प्लांट इंपोर्ट करूंगी, पूरी बिल्डिंग को रेनोवेट करवाऊंगी, भैंसों की देखभाल के लिए डॉक्टर भी रखूंगी मियाँ जी. और क्या बता ना लाडली, और क्या? और मियाँ जी, कराची, लाहौर और फैसलाबाद में डेरी के ऑफिसेस खोलूंगी, ह्यूज ऑफिसेस. गुड. तू चेक बना, तू क्या मुंह देख रहा है? अब्बा जी, अमाउंट लिखने वाली रह गई है. लिखो लिखो जल्दी से. 30 मिलियन ओनली. यार, ये 3 करोड़ के आगे भी ओनली लिखते हैं? ये कुछ मुनासिब नहीं लग रहा दादाजी. अब खग्गों की औरतें डेरियां चलाया करेंगी. तो पुत्र पहले मटरंटी होम चलाती हैं. फिटे, लंदन का इकोनॉमिक्स पढ़ के आई है, क्या बैठ के तेरे पैर दबाया करेगी? ओए, तू क्या एक्सप्रेशन दे रहा है, चेक डिलीवर कर. तैयार है, दे रहा हूँ. क्या हो? इधर दो जल्दी से. जी, ये लीजिए. हैव योर चेक प्लीज. थैंक यू मिया जी, आई लव यू. पैर भी दबा दिया करूंगी. फिर से बना दे. सलाम. वालेकुम सलाम. वो जी, ठेकेदार होर पैसे मांग रहा है. किस बात के? कल तो पैसे दिए उसको. लग गया जी, अब काम तो खत्म करना है ना. ठीक है, करती हूँ मैं कुछ. देवी जी, आप नाश्ता नहीं करके जाएंगे? मुझे देर हो रही है, अम्मी से कहना कि मैं रास्ते से ले लूंगी नाश्ता. ठीक है जी. ठीक है. थैंक यू वेरी मच शाकिर साहब. जिस जदीद डेयरी फार्मिंग की आप कोशिश कर रही हैं, उसमें डेयरी एसोसिएशन आपके साथ है. इंशाल्लाह आपकी डेयरी बहुत तरक्की करेगी. इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. फवाद, हमारा कॉन्ट्रैक्टर 2 दिन से फोन नहीं उठा रहा. आप किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को जानते हैं? क्यों, आज बैंक जो मेरी याद आ गई, ये भी उनसे पूछ लेना था. दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड आइडिया.
देखा बेटी हमारी ने कमाल कर दिया है। अगर इस नलायक मैनेजर पे रहते तो और चंद सालों में भैंसों की बतखें बन जाती। और तोती कुर्ता ही पाप पुत्र है, मैं कोई फरंगी समझ के गोली ना मार जाए। आ जाओ यार, बहुत अच्छे बेटा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? You are smiling, but not smiling. No, no. I'm actually smiling. I hate lies. आइए, आइए मियाँ जी। ये है मेहताब डेयरी के CEO का कमरा। वाह। और यहाँ बैठेंगे आपके फवाद साहब। यहाँ फवाद साहब नहीं, तुम बैठोगी लाडली। कुर्सी उसकी जो डिजर्व करता हो। बैठो बैठो बेटा। ओहो बैठो, मैं कह रहा हूं तुम्हें, बैठो बैठो बैठो। हा 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 ये हाथ रखना बुरा लगा? Maybe. अमल की जब भी बुरी नहीं लगी? उधर जाओ। हाँ हमाद खग्गा नाम रखा था उसका। किसका? अपने बेटे का। और किसका? ना करें चौधरी साहब। क्या ना करूं ए? क्या किया मैंने? आपने छुपाया नहीं, भाभी मां बनने वाली है। ओ यू लिव इन फूल्स पैराडाइस ओए, तेरी भाभी कभी मां नहीं बनेगी। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि खाली बातचीत करने से बीवी मां नहीं बन सकती। यानी कि नो प्रोग्रेस। नो प्रोग्रेस तो हनीमून पर जाना चॉइस साहब। ओ हनीमून पर तू चलेगा मेरे साथ? ओ मैं क्यों चॉइस साहब, भाभी को लेके जाए ना। टाइम नहीं है उसके पास, शी हैज नो टाइम। तो टाइम लो ना, भाभी को अंग्रेजी में समझाओ या पंजाबी में बताओ कि शादी का कोई मकसद होता है। ओ इस तरह के काम में उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या मतलब? गिव मी माई फोन प्लीज। हेलो तुर्ताना।
बदन भिगोए है, जला बुझा अंधेरा आज न सोए है। सहम सहम सुनाई हवा जो रागिनी, वो तन के तार छेड़े आग लगाए है। यूं रगों में अंगारे भागते लगे प्यारे, खाबते जो सारे जागे रे। रौनके आशिकी का है ये फरमाना, आज तू छोड़ के ना जाना। रौनके आशिकी का है ये फरमाना, आज तू छोड़ के ना। लगती है जा बेकरारी में ही जाती है। ओ हल्की सी आहट पे लगता है तू आया, आईना जब देखा तो खुद से कोई शर्माया। तू ही तू निगाहों में, दिल है तेरी राहों। हेल्प मी दुर्दाना, हेल्प कैसे करूं फात? मेरा दिल टूट गया कजन। तो दिल को कजन के दिल के साथ जोड़ लो, जुड़ जाएगा। तो जोड़ दूर दुर्दाना। It was long awaited for what? क्या हुआ फवाद, ठंड लग रही है? नहीं, डर लग रहा। वो आ तो नहीं जाएगी? वो आ गई है। सॉरी। अरे सॉरी किस बात का? जमीन पर दो सितारे मिल रहे हैं, नई मोहब्बत के इशारे मिल रहे हैं, आपको अपनी कजन के सहारे मिल रहे हैं, तो फिर डर किस बात का है फवाद खगा साहब? इसे गले से लगाइए और मुझे गले से उतारिए। अमल खुदा पाक की कसम, मैं बस ये
अमल अमल तूने बताया ना यार बनके यार को धोखा दिया तूने लानत हो तुझ पर लानत तो आप पर भी हो चौहान साहब आपने तो प्यार को धोखा दिया है पाबी के पीछे जाओ तो आपको पता चलेगा प्यार में धोखे की सजा एक चपेड़नी होती अब जाऊंगे और मारोगे Excuse me. छत पे बैठी रो रही है ऊपर आसमान रो रहे और नीचे बीबो जी की लाडली Let me explain you today's tragedy. In fact, वो जफ्फी वो वाली जफ्फी नहीं थी It was like you hugged your friend. Stay away from me, please. Stay away! बहुत गुस्सा आ गया आपको मतलब कि आप अपने फ्रेंड को हग करो तो ठीक मैं अपनी कजन को टच करूं तो गलत आप भी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करो ना चलो नीचे एक कदम आगे मत बढ़ा ये मेरी गलती थी कि मैं तुमसे शादी करने पर मान गई और ये बीबो जी की गलती थी कि वो मोहब्बत में जबान और कल्चर को नहीं मानती वरना मैं तो जानती थी कि पंजाबी फ्यूडल का एक बीवी से गुजारा नहीं होता बहुत गलत जानती हैं आप डोंट यू नो दादाजी की भी एक बीवी थी अब्बा जी की भी एक है और मैंने भी दुर्दाना को अगर जफ्फी डाल ली तो कौन सा वो मेरी बीवी बन गई अरे नहीं बनी तो आप बना लो ना दादाजी मुझे नहीं देखते थे अब्बा जी दो नंबर औरतों के साथ चैटिंग करते हैं तो तुम कुछ नया कर लो शादी कर लो दुर्दाना से अमल प्लीज यू आर एक्सीडिंग योर लिमिट्स लिमिट्स माय फुट और कोई दोस्त मत दिखाना मुझे मैं वो लड़की नहीं हूं जिसको तुम डराओगे तो डर जाएगी या तुम्हारी मोहब्बत में मर जाएगी मैं वो हूं जो वफा करोगे तो वफा करूंगी और दखा करोगे तो दखा करूंगी दखा करोगी तो क्या करोगी तलाक लूंगी तुमसे और डंके की चोट पर लूंगी और ये जो तुम्हारी मूछें है ना फवाद खग्गा इसे उतार कर तुम्हारी हथेली पर रख दूंगी ओ चपेड़ मार दियो कमीने ने
ले जाइए। आगे रोटी कितने? रोटी कितने? रोटी खिलाओ अम्मी जी, भूख लगी है मुझे। कमीनिया, तुझे भूख लगी है? वो चपेड़ खा के कराची चली गई है। गई है तो आ जाएगी अम्मी जी, जहाज जाता है तो वापस भी आता है। और ये वोटी वोटी करके सिर पे ना चढ़ाओ उसे, वरना मुंह उतार के मेरी हथेली पे रख देगी। जालिमा, मैं बीबो जी को क्या जवाब दूंगी? बीबो जी को मैं बताऊंगा कि ये लंदन नहीं है, यहां बीवी को चपेड़ भी मार देते हैं। काश। बीबो जी डर रही है मुझसे। अब कितने दिन मुझे घूर घूर के देखते रहोगे? What's my fault? उस दिन सॉरी बोलने गया था ना उसको, फिर उसने सॉरी सुनने से पहले दादाजी के मुजरों और अब्बा जी के लफड़ों का ताना दे दिया। मुझे गुस्सा आ गया, पर मैंने चपेट नहीं मारी। Then she said, तलाक लूंगी तुमसे। मुझे मजीद गुस्सा आ गया, मैंने फिर भी चपेट नहीं मारी। बट वेन शी सेड, तुम्हारी ये मूछ उतार के तुम्हारी हथेली पे रख दूंगी फफात खग्गा, तो मार दी मैंने चपेड़। मैं कंट्रोल नहीं कर सका दादाजी। उस दिन बेटा जी आपका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं था। आप सिर्फ ये बताओ कि दुर्दाना क्या लगती है आपकी? अब्बा जी आपको नहीं पता कि दुर्दाना मेरी कजन लगती है? तो उसको ये क्यों कहा था कि हेल्प में दुर्दाना? चलो ये भी पता लग गया आपको, तो आप ही बताओ मैं क्या करता। बीवी के पास शोर के लिए टाइम ही नहीं है। बीवी ऑफिस जाती है, मीटिंगें करती है, वक्त से पहले थक जाती है, शोर के कमरे में पहुंचने से पहले सो जाती है, तो क्या करेगा शोर? करेगा ना कोई गलत काम? रख ओके, माय फॉल्ट। अगर मैंने जज्बात में दुर्दाना से कह दिया है कि हेल्प मी दुर्दाना, तो उसने कौन सा मेरी हेल्प कर दी? हेलो, अब दुर्दाना से ही मांगा कर हेल्प। चल मिला उसे फोन, कह उसे हेल्प मी दुर्दाना। इतनी सी चपेड़ का रौला ही बना दिया उसने, और सब कह रहे हैं चपेड़ मार दी। और कोई ये क्यों नहीं पूछता कि चपेड़ मारी क्यों थी? ओए, वो बाला मरासी याद है? जी जोय सर। वो मार मार के अपनी बीवी को भन देता था वो, लेकिन जब आवाज दे के कहता था ओए रखी, वो आगे से कहती थी जी बाला जी। जी वो खग्गों से तो मरासी अच्छे हैं यार, नोट कर जरा। उसने अपने फ्रेंड को हक किया तो नो प्रॉब्लम, मैंने अपनी कजन को हक कर लिया तो प्रॉब्लम हो गया। आपने हक नहीं किया था चौहान साहब, आपने जफ्फी डाली थी, और जफ्फी में नियत ठीक नहीं होती। ऊपर से आपने कह दिया हेल्प मी दुर्दाना। दुर्दाना? हेलो दुर्दाना। मैंने सुना है अमल उस समल से नाराज होके कराची चली गई है। चली नहीं गई, पहुंच गई। ला, इतनी सी बात पे घर छोड़ के चली गई है? तुम बताओ दुर्दाना,
अगर तुम मेरी बीवी होती और मैं तुम्हारे मुंह पे चपेड़ मारता तो तुम क्या करती? हाय, मैं तो कहती वंस मोर। और सुना है शफीक अहमद, दुर्दाना कहती वंस मोर। तुम्हारे मम्मी बाबा तो डर गए हैं, उनका ख्याल है कि तुम अब पंजाब नहीं जाओगी। जी बीबो जी, अब मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। वो तो ठीक है, ये कमीना मर्द की खाल ओढ़कर भेड़िया जैसा सलूक करेगा तो उसके साथ यही कुछ होगा। और तुम भी डटी रहना लाडली, नाक भी रगड़े ना तो मानना मत। नहीं मानूंगी। और ये भाई साहब को देखो, न फोन उठा रहे हैं न फोन कर रहे हैं। वैसे फोन करके कहेंगे भी क्या, सारे प्यार के लाड के संभाल कर रखने के दावे तो मट्टी में मिला दिए। नहीं बीबू जी, उनके सारे दावे सच्चे थे, झूठा वही था कमीना। शराब पीकर दुर्दाना से चिपका हुआ था और बोल रहा था हेल्प मी दुर्दाना, और मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी बीबू जी। मनाने आएगा तो देखना क्या हाल करूंगी उसका। उसने बीबू जी का प्यार देखा, गुस्सा नहीं, न बात करूंगी न गले से लगाऊंगी। और माफी मांगेगा तो पूरे थप्पड़ का हिसाब लूंगी। नहीं बीबू जी, हिसाब उससे कोई नहीं मांगेगा, मैं उससे तलाक मांगूंगी। बस बीबू जी, मैं आपका हुक्म पूरा कर आई हूँ, पंजाब से हो आई हूँ, अब नहीं जाऊंगी। लेकिन अमल, बस ना बीबू जी, आप 100 साल पुरानी मोहब्बत से डरती हैं, इतने पुराने खुदा से क्यों नहीं डरती? बुराई माफ कर दी थी, बेवफाई माफ नहीं करूंगी। Excuse me, बाबा जी। मसला पड़ गया बाबा जी, दम कर दो या तवीज दे दो मुझे। मसला बता। छोटी सी बेवफाई हो गई है मुझसे, गैर इरादी तौर पे। पछता रहा हूं, छोड़कर कराची चली गई, तलाक मांग ली उसने। फिर सबर कर। सबर कैसे करूं बाबा जी, मोहब्बत करता हूं उससे, उसके बगैर रह नहीं सकता। दम कर दो तो उसके पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा। इश्क में शिर्क और मोहब्बत में बेवफाई की माफी नहीं होती पुत्र, जा। Thank you.
बनने चला था राजा, हस्ती भी दी गवा, खुद ही बना लुटेरा और मैं ही मैं लुटा। बनने चला था राजा, हस्ती भी दी गवा, खुद ही बना लुटेरा और